सोसाइटी को थैंक यू ना सबको, मेरा लिए इतना सपोर्ट दिखाने के लिए, उसका फैमिली को। मेरा तो हम सबसे पहले तो स्टेट लेवल के स्टेट लेवल से सिलेक्शन हुआ हम लोग को, उसके बाद फिर उसके बाद नेशनल के लिए सिलेक्शन है। हम सबसे मेरा फर्स्ट क्रेडिट तो हम मेरा मास्टर को ही जाता है जो मेरा मास्टर है उसको ही जाता है। उसके बाद सेकंड तो जो सोसाइटी है, उसके बाद फैमिली वगैरह। मेरा जर्नी तो टिकटाक ही था वैसे तो, पर वही कि हम लोग मतलब ऐसे ऐसे था कि हम लोग का जो अरुणाचल गवर्नमेंट है, जो हम लोग नेशनल जाते हैं उन लोगों जो कहते ना पैसा दे देने से ठीक है। हम लोग इधर नेशनल जाने के लिए हम लोग खुद से पैसा देते ना, उसको दे देने से ठीक है। उसके बाद जर्नी तो एकदम मस्त है। फर्स्ट मैच को तो हम आराम से जीत गया नोकर, उसको अपना ओपोनेंट का नोकर में हरा दिया। सेकेंड ओपोनेंट में हम बस हारने ही वाला था, 10 सेकेंड जैसे बचा था, तो सेकेंड उसमें हम मतलब बहुत इमरजेंसी में डायरेक्ट एक किक मार दिया ऊपर सकल में, तो उसमें हमको 3 पॉइंट मिल गया, उसमें हम बहुत लीड हो गया उतना ही था। उसके बाद थर्ड पोर्ट उसमें आराम से जीत गया, बस सेकेंड ओपोनेंट थोड़ा तब था। जर्नी तो एकदम ठीक था, पूरा अरुणाचल टीम के साथ एकदम मस्त में मस्त गया, और हम लोग ओवरऑल टीम ओवरऑल बिना भी अरुणाचल ही रहा, इसलिए एकदम मस्त है। आयाम तो क्या बोलेगा, बहुत खुश है। पहले तो मैं उम्मीद भी नहीं किया था ऐसे लेके आएगा बोल के ना, और ये से मेरा बच्चा जो यहाँ से जाते समय में खुद बोला है, और तो जैसे भी लेके आएगा बोल के, उसका अंकल भी पूछा था तो गोल्ड मेडल जैसे भी लेके आओ बोला है, हाँ गोल्ड मेडल तो हम जैसे भी लेके आएगा। हम दिल में सोचा ये बच्चा क्या बोल रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम ऐसे सोच रहा था, लेकिन लेके आया था। हम तो ऊपर बहुत खुश है, एकदम उपाय नहीं है, ये परमेश्वर का द्वारा हुआ है ना। बहुत प्रे किया मैं, ये जुलाई महीना से प्रे किया, मेरा ये पेरेंट्स लोग भी, बस्ती का आदमी लोग बहुत सपोर्ट किया, और मेरा सोसाइटी लोग भी सपोर्ट किया ना, उसका द्वारा आज मिला है। मेरा ये बच्चा जो बेटा, क्योंकि पहले मैं बहुत स्पोर्ट को ना बहुत इंटरेस्ट था, हम ये इस बोला है माँ हम कुछ कराते में करने दिले, बोला है तब हम ये साई में एडमिशन कर दिया था ना, तब से लेके आज तक कर रहा है। जो बच्चा इंटरेस्ट है, हम भी सोचा है करने देगा, इससे सोच के ना डाल दिया। इसका पिताजी तो जब ये ताते 10 साल ऐसे में गुजर गया, अभी हम अकेला माँ अकेला पल रहा है। मेरा बच्चा 4 तो है ना, ये पर्स बेटा है, बेटा दो है ना, ये हम सोचा है जो ये बेटा जो इस इंटरेस्ट थे करने देगा बोल के अभी करने दे रहा है। हम मेरा ये अपील है कि ना गवर्नमेंट भी ये सब में थोड़ा मदद करने से ठीक है, जब ये जाने कल करने से मैं हम तो बिना बिन माँ का बिन पिताजी का पाल रहे ना, इसमें पैसा सैसा नहीं होता है, जब जाएगा पैसा नहीं होता है, हम कहीं से मैनेज करके बेचता है। गवर्नमेंट से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ना जब स्पोर्ट को भी ध्यान देना है, कभी जाते समय में मदद भी करना है। वो लोग पहले भी एक बार ये क्या नॉर्थ ईस्ट में गया था, तब भी वो लोग कुछ भी नहीं दिया, हम खुद कहीं से पैसा मैनेज करके उसको टिकट करा दिया, तब भी भेजा था ना। अभी फिर दो साल का आगे में था, इसका बाद उस दिन भी ऐसे हो गया था, बुलाए सिलेक्ट हो गया और नाचे से सिलेक्ट हो गया, हम तो बहुत या मेरा बच्चा को सिलेक्ट हो गया। अभी हम क्या जैसे भी करके तो हम तो पैसा ढूंढ के तो इसको भेजना ऐसे सोच के ना, हम खुद भेजा है कहीं से पैसा मैनेज करके खुद भेजा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही अपील है कि जब भी ऐसे अरुणाचल से बच्चा जाता है बोलने, अरुणाचल गवर्नमेंट भी थोड़ा देख देना है, ऐसे नहीं देखता है, हमें ये स्पोर्ट को एक्चुअली ध्यान देना है। बच्चा लोग इंटरेस्ट से कर रहा है तो ना ध्यान देना है, ध्यान नहीं देता है यूथ को आजकल, और यूथ को ऐसे ध्यान नहीं देगा तो यूथ को कल को जाके ध्यान नहीं देगा तो अपना ड्रग्स दूसरा कहीं में हो। जब आदमी जो
कुछ नहीं करने से दिमाग से कुछ कुछ निकाल के तब तो खराब काम में जाता है ना। बच्चा ऐसे ऐसे जाने के लिए करने से शपथ करना है, गवर्नमेंट भी शपथ करना है, बिजी रहने देने के लिए, यूथ को बिजी रहने देने के लिए शपथ करना है। ऐसे नहीं करता है अरुणाचल का गवर्नमेंट लोग ना। ये है कि अरुणाचल का गवर्नमेंट को मेरा अपील है, जब भी बच्चा ऐसे स्पर्ट में जाता है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए ना, इसे ध्यान दीजिए। हम लोग कहीं इतना माँ पिता जी ये बिन बिन बाप का करके ऐसे बेचता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट देना है। ये है कि आज गोल्ड मेडल मेरा बच्चा है हरियाणा में जाके ना गोल्ड मेडल लेके आए, हम तो बहुत क्या बोलेगा, बहुत खुश है। मैं हम से उम्मीद भी नहीं था, ऐसे छोटा सा बस्ती का है ये संगूपोता सर्कल रुपुंग विलेज का है ना, छोटा सा बस्ती से ऐसे आज निकला है, क्या बोलेगा, हम तो बहुत खुश है इतना में। हाँ, ये सबसे पहले सकाली न्यूज़ आपको मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये सुबह हमारा गोरंग सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा एक सुगंध लेके आया कि भाई गोरंग जोनी सोनी उसका पिताजी का नाम है आपका गोरंग पीटर, ये आपका संगदुपुटा सर्कल से बिलोंग करता है। उन्होंने प्राइस शुरू किया आपका ईटानगर चंद्रनगर पुलिस कॉलोनी से और जाते जाते वो अरुणाचल आपका स्पोर्ट्स ये साई में ना साई में अपना वो स्टार्ट किया, तो उसका बाद स्टेट लेवल में सिलेक्शन हुआ और हरियाणा में नेशनल लेवल में भेजा गया और आज गोल्ड मेडल लेके आया। तो हम ये सोसाइटी का नाते, गोरंग फैमिली का नाते भाई सोनी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कामयाबी के लिए। और हमें पता है भाई सोनी जो है अपना निजी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया ये मेडल को प्राप्त करने में, बहुत संघर्ष किया और डिसिप्लिन का साथ में खेला और आज गोल्ड मेडल लेके आया। और हम सब गोरंग फैमिली उनका जो कामयाबी में बहुत गर्व है, अच्छा महसूस कर रहा है और उम्मीद करता है कि भाई सोनी आगे जाके फिर कंट्री के लिए, देश के लिए, भारत सरकार के लिए और गोल्ड मेडल प्राप्त करें। और जिन्होंने इनको भाई को जो गाइडेंस दिया स्पोर्ट्स मास्टर का तौर में, गार्जियन का तौर में, हम लोग का माने पेरेंट्स का रोल लिया, तो उन्हीं गुरुओं को भी हम बहुत माने बधाई देता हूं। तो आगे इस प्रकार और इनको गाइडेंस करें और नाम उठाने में सक्षम ना रखें। और आज पूरा हमारा सोसाइटी का यूथ, गोरंग यूथ वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से ये जो प्रोग्राम आयोजन किया, हम भाई लोग से भी बहुत माने अच्छा फील कर रहा है, आगे ऐसे इनकरेज करते रहना चाहिए। कोई भी हो, भाई सोनी सिर्फ नहीं है, कोई भी फैमिली मेंबर। और मैं एक बात और जिक्र करना चाहता हूँ, इसमें देखा गया है हमारा भाई गोरंग भाई सोनी सिर्फ नहीं है, बहुत सारा बेटा है, बेटियां हैं जो स्टेट के लिए गोल्ड मेडल लेके आया, तो इन्हीं सब को भी हम हमारा गोरंग वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बधाई करता हूं, आगे और ऐसा करते रहे, कार्य करते रहे। मेरा हम लोग का युवा स्टेट में और गोरंग फैमिली में खास करके ऐसा स्पोर्ट्स में लगन रहेगा, स्पोर्ट्स में ऐसा इंटरेस्ट रहेगा तो ज़िंदगी में कुछ उन्नति होगा ही, ज़रूर होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेगा तो आपका निजी ज़िंदगी में, अन्य ज़िंदगी में वो नशा मुक्त हो जाएगा, ये दारू पीना, सिगरेट पीना, कहीं ये ड्रग्स लेना, ये सब बंद होगा। तो इसलिए मेरा अपील रहेगा, मेरा दूसरा अन्य गोरंग जो उगलता भाई से ऐसा सोनी का जैसा, भाई सोनी को देख के आप लोग भी माने ये स्पोर्ट्स में जुड़ा रहना चाहिए, बल्कि सिर्फ कराटे में नहीं है, हर एक प्रकार का ये है आपका स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्या क्या है, नाना रकम माने इसमें करने का चीज़ है, इसलिए उसमें ध्यान देने से अच्छा रहेगा। और फैमिली को भी इनका माँ जो माँ है, पिताजी तो गुजर गया, और माँ से भी हमारा बहुत बहुत बधाई है, ऐसा माने बल शक्ति बेटा पैदा किया हमारा फैमिली का बीच में। तो इसी का साथ में हम सभी को, आप सभी को नमस्कार करता है। थैंक यू।